वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है शेयर फॉरफिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम प्रश्न संख्या 26 पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस 26वें प्रश्न में लिखा है, 1 मई 2015 को एक प्रमंडल के संचालकों ने 20 रुपये प्रति अंश वाले 500 अंशों का अपहरण करने का निश्चय किया। इन अंशों पर 15 रुपये प्रति अंश याचना की जा चुकी थी, जिसमें से 5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से प्रथम याचना की राशि अप्राप्य थी, यानी नहीं मिली थी। 3 दिन बाद इन अंशों का पुनर्निर्गमन किया गया, जिन पर 10 रुपये प्रति अंश प्राप्त हुआ और 5 रुपये प्रति अंश अंतिम याचना के रूप में देना शेष रहा। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन में यह पता लगता है, क्वेश्चन को पढ़ने से ये पता लग जाता है कि 1 मई को जब इन्होंने 20 रुपए वाले शेयर इशू किए थे 500, तो इन्होंने सिर्फ 15 रुपए की ही डिमांड की थी, बाकी के 5 रुपए इन्होंने छोड़ दिया था। जब इन्होंने शेयर फॉरफिट कर लिया तो शेयर फॉरफिट करने के बाद भी इन्होंने उस 5 रुपए की कॉल को आगे भी छोड़ के रखा हुआ है, यानी 5 रुपए अंतिम याचना के रूप में देना शेष अब भी रहेगा। यानी कि इन्होंने दोबारा जब भी रीइशू किया है 15 रुपए की ही डिमांड की है, जिसमें इन्हें 10 रुपए प्राप्त हुए हैं। अगर हम इसकी वर्किंग का जो रूप देखेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 26 में 500 शेयर में से 10 रुपए तो पेड है और ये 5 रुपए अनपेड है, यानी हमने 5 रुपए पे कट मार दिया है और 10 रुपए को हमने राइट कर दिया है। जब शेयर फॉरफिट होता है तो 500 इंटू यानी 500 की गुणा हम इस पूरे में करते हैं और शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल के नाम से उसका पैसा ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर 15 की मल्टीप्लाई 500 से होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 7500 रुपये यानी 7500 रुपये से। इसके बाद 500 की मल्टीप्लाई 10 में होगा, क्योंकि ये राइट लगा हुआ है, यानी ये पैसा कंपनी को जा चुका है, तो कंपनी इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगी, यानी कि कंपनी इस पैसे को हरण कर लेगी, अपहरण कर लेगी यानी जब्त कर लेगी। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 5000 रुपये जाएंगे 500 की मल्टीप्लाई 10 के रेट से। इसके बाद क्वेश्चन में अनपेड का जो पेमेंट है वह आप देखेंगे तो 500 इंटू 5 है, तो 500 इंटू 5 करेंगे तो 2500 रुपये होगा, जो कि शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ नरेशन में बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड इशूड एट द रेट ऑफ ₹15 ईच के हिसाब से यह शेयर इशू किया गया था, जो कि अब जब्त कर लिया गया है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद यानी 3 दिन के बाद उन्होंने 10 रुपये में इसे दोबारा बेचा। अगर 500 शेयर को हम 10 रुपये में बेचते हैं, लेकिन उन्हें 15 रुपये ही पूरे करके दिखाने होंगे, क्योंकि उन्होंने 5 रुपये का अनपेड किया हुआ है अब भी। तो जब दोबारा कंपनी को पैसा मिलेगा तो 500 शेयर के 10 रुपये के रेट से 5000 रुपये प्राप्त होंगे, लेकिन क्योंकि कंपनी के शेयर कैपिटल में 500 इंटू 15 के हिसाब से यहाँ पर पैसा पूरा ट्रांसफ़र होना चाहिए। कितने रुपए? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर हम वर्किंग करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 500 इंटू 10, ये तो कंपनी को मिला है, कंपनी को 500 इंटू 15 चाहिए 7500 रुपये, 500 इंटू 5 रुपये की कमी पड़ेगी, क्योंकि 10 और 5 15 रुपए पूरे करने पड़ेंगे, 15 की इन्हें ज़रूरत है तो 2500 रुपए इनको कम पड़ेगा। तो ये पीस फॉरफिट वाले अमाउंट में से 2500 रुपए निकाल के शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, क्योंकि शेयर फॉरफिटेड यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट करके ही पैसा निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर 2500 रुपए ही बचेंगे, 5000 में से 2500 निकल गए। अब वही शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व के नाम से 2500 रुपये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन 26 कंप्लीट हो चुका है।
अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ लिखा है श्यामा लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले 10,000 अंशों में विभाजित है। 1 अप्रैल 2016 को 5,000 अंशों का निर्गमन हुआ। प्रत्येक अंश पर 1 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम याचना पर, 2 रुपये द्वितीय याचना पर और शेष अंतिम याचना पर देय है। 2 और 1 3 3 6 2 8 रुपये इन्होंने मांगे हैं, लेकिन अभी 2 रुपये बाकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपये अभी उनसे लिया नहीं जाएगा, हमारी जो एंट्रीज होंगी वह इन 8 रुपयों की होगी। अंतिम याचना को छोड़ दिया गया है, सभी याचना मांगी गई हैं। राशियां कैसे प्राप्त हुई हैं आगे देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनका जो पैसा मिला है वह मिला है आवेदन पर 5,000 रुपये, आवंटन पर 9,900 रुपये, प्रथम याचना पर 14,790 रुपये, द्वितीय याचना पर 9,800 रुपये। संचालकों ने ऐसे अंशों का हरण कर लिया जिन पर 2 या 2 से अधिक मांगों की राशियां बकाया थी, लेखे कीजिए। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसकी बेहतरीन वर्किंग को देखना ही पड़ेगा। जब कंपनी की हम वर्किंग को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी का 27 नंबर क्वेश्चन में कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किया है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर हमने लिखा ड्यू और यहाँ लिखा रिसीव्ड और यहाँ लिखा एरियर और यहाँ लिखा शेयर। जब हमने एप्लीकेशन की बात की तो एप्लीकेशन पे पूरे 5,000 रुपये सवाल में दिखाया गया कि 5,000 रुपये पूरे प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने ड्यू तो कुछ होता नहीं है एप्लीकेशन में, सीधा बैंक में रिसीव्ड होता है। एरियर और शेयर से कोई मतलब नहीं है। 5,000 × 2 10,000 रुपये ड्यू किए जाएंगे। जब बैंक में रिसीव होने का नंबर आया तो क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट पर 9,900 रुपये ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आवंटन पर 9,900 रुपये, प्रथम याचना पर 14,790 और द्वितीय याचना पर 9,800 रुपये प्राप्त हुए हैं। इसी के अकॉर्डिंग ही हम इस वर्किंग को आगे अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो 5,000 × 2 10,000 रुपये कंपनी को इस वक्त ड्यू करना है अलॉटमेंट का पैसा। 5,000 × 2 10,000 रुपये कंपनी ड्यू करेगी, लेकिन कंपनी को 9,900 रुपये ही प्राप्त होंगे। इसका मतलब कंपनी को 100 रुपये नहीं मिलेंगे। अगर 100 रुपये नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर रेट चल रहा है 2 का, यानी 2 रुपये के हिसाब से कितने शेयर के पैसे रुकेंगे। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 50 शेयर का पैसा यहाँ पर नहीं मिला है, यानी यहाँ पर 50 शेयर्स के एरियर हुए हैं। अगली कॉल होगी 5,000 × 3 यानी 15,000 रुपये की, लेकिन कंपनी ने कहा कि हमें 14,790 रुपये ही मिले हैं। यदि हम 15,000 में से 14,790 घटाएंगे तो 210 रुपये का एरियर होता है। यदि इसकी शेयरों की संख्या पता लगाएं तो 210 का 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 70 शेयर का पैसा रुकेगा। अगर 70 शेयर का पैसा रुकेगा तो 50 वाले तो पहले ही लाइन में लगे हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पर 20 शेयर और बढ़ गया तो 50 + 20 यानी 50 + 20। इसके बाद जब हम अगली कॉल करते हैं 5,000 × 2 10,000 रुपये की, तो हमें 9,800 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर 200 रुपये का एरियर होता है। जब 200 का एरियर हुआ तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100 शेयर आएंगे। इसका मतलब 2 लोग पहले से ही लाइन में लगे हैं, एरियर कर रहे हैं, यानी 50 वाला तो लगा हुआ है, 20 वाला भी ऑलरेडी आगे जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ जब 100 शेयर हो जाते हैं तो हमें पता लगता है यहाँ पर तीसरा व्यक्ति भी शामिल हो गया, उसने 30 शेयर पर एरियर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 50 शेयर वाले ने 3 जगह एरियर किया है, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर, जबकि 20 शेयर वाले ने फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर एरियर किया हुआ है।
तो कंपनी ने कहा ऐसे लोगों का हमने शेयर फॉरफिट कर लिया है जिन्होंने दो या दो से ज़्यादा कॉल पे पैसे रोके हैं। तो 50 वाले ने तीन जगह रोका है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी 50 वाले को हम ज़रूर फॉरफिट करेंगे। 20 वाले ने भी दो जगह रोका है तो हम 20 वाले को भी फॉरफिट करेंगे, लेकिन 30 वाले को नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि दो या दो से ज़्यादा जगह पर जिन्होंने पैसे रोका है, तो 20 वाले को फॉरफिट करेंगे और 50 वाले को। तो 50 का 1, 2, 3, 2 इस हिसाब से पैसा मांगा गया है। 50 वाले ने एप्लीकेशन का पेमेंट, यहाँ देखेंगे तो एप्लीकेशन तक तो सही है लेकिन अलॉटमेंट से इसका नाम आना शुरू हो गया, इसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल के पैसे रोक दिए। तो यहाँ पर हमने तीनों जगह कट लगा दिया यानी कि अनपेड हो गया। इसके बाद 20 शेयर वाले का नाम दो जगह आ रहा है, एक तो यहाँ फर्स्ट कॉल पे और एक सेकेंड कॉल पे। तो अब हम यहाँ पर 20 वाले का नाम दो जगह रॉन्ग करेंगे यानी कि 3 रुपये पर और 2 रुपये पर, बाकी ये पेमेंट हो चुका है। इस प्रकार से हमने इसकी वर्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमसे कहा गया जर्नल एंट्री बनाइए, तो जर्नल एंट्री अब तो बहुत आसान हो चुकी है। सबसे पहले आप देखेंगे 5000 × 1 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पूरे 5000 रुपये प्राप्त होंगे और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में 5000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम अगली कॉल करेंगे 5000 × 2 यानी कि 5000 × 2 करेंगे, 10000 रुपये मांगेंगे तो हमारे पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बींग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा 10000 रुपये से। इसके बाद बींग शेयर अलॉटमेंट मनी जब रिसीव्ड होगा तो यहाँ पर 100 रुपये का आप देखेंगे चार्ट में, यहाँ 100 रुपये का एरियर है, 9900 रुपये ही मिले हैं तो बैंक में 9900 रुपये दिखाएंगे, कॉल सीन एरियर में 100 रुपये और शेयर अलॉटमेंट के नाम पे पूरे 10 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद अगली कॉल होगी 5000 × 3 15000 रुपये हम ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से, और जब हम इसका पैसा लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट जब करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक में फर्स्ट कॉल के 14790 रुपये मिल रहे हैं, 210 रुपये नहीं मिल रहे हैं, एरियर वाली लिस्ट में इसका नाम आ रहा है। तो जब हम यहाँ पर बैंक के नाम लिखेंगे, बैंक के सामने 14790 और कॉल सीन एरियर के सामने लिखेंगे 210 रुपये, इस प्रकार से शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ पर 15000 रुपये हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हम इस वाली कॉल को ड्यू करेंगे सेकेंड कॉल को 5000 × 2 10000 रुपये ड्यू करेंगे, लेकिन हमें बैंक से 9800 रुपये ही रिसीव्ड होंगे, यहाँ पर 200 रुपये का एरियर हो रहा है। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे ड्यू की तो यहाँ पर आप देखेंगे शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 10000 रुपये हमने ड्यू कर लिया है। इसके बाद फिर हम इसके रिसीविंग करेंगे, जब इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 9800 रुपये और इसके बाद कॉल सीन एरियर 200 रुपये दिखाएंगे और टोटल शेयर सेकेंड कॉल हो जाएगा 10000 रुपये से। अब हम यहाँ पर फॉरफिट करेंगे, सारी कॉल करने के बाद फॉरफिट का नंबर आता है तो आप यहाँ देखेंगे फॉरफिट का पैसा, यहाँ पर है 50 शेयर, यहाँ पर है 20 शेयर, हम चाहे तो इनके अलग अलग फॉरफिट कर सकते हैं और हम चाहे तो इकट्ठे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर इकट्ठा करना भी सीखेंगे। 50 और 20 दोनों शेयरों का जो पैसा है ये 8 रुपये टोटल है, 50 की मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे और 20 की मल्टीप्लाई भी 8 में करेंगे, तो 50 की मल्टीप्लाई अगर 20 में 8 में करते हैं तो कितना आता है 400 और 20 की मल्टीप्लाई 8 में करते हैं तो आता है 160, दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दें 70 × 8 तो हो जाता है 560 यानी कि 560 रुपये। तो हमारा जो शेयर कैपिटल डेबिट होगा अगर हम दोनों को मिक्स एक साथ करेंगे तो 560 रुपये हम शेयर कैपिटल अकाउंट का डेबिट कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो शेयर फॉरफिट में पैसा जाएगा जो दोनों ने पेड किया है वही जाएगा, 50 × 1 यानी कि 1 50 रुपये इसने पेड किए हैं और इसने किए हैं 20 × 1 करेंगे तो 20 रुपये यहाँ पर और 20 × 2 40 रुपये यहाँ पर, यानी 60 रुपये इसके और 50 रुपये इसके, 50 और 60 मिलके 110 रुपये शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद हम कॉल जो पैसा नहीं मिलता उसका नाम डालते हैं, इसने तो अलॉटमेंट का पेड किया हुआ है लेकिन इसने रोक रखा है, 50 × 2
₹100 इसके रुक गए हैं तो हम शेयर अलॉटमेंट के नाम पे ₹100 लिख देंगे। इसके बाद 50 × 3 इसके भी रुक गए हैं, 20 × 3 इसके भी रुक गए हैं, इसके रुक गए ₹60 और इसके रुक गए ₹150। यानी किसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ₹150 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ₹60 आएगा। ₹150 ₹60 दोनों जोड़ देंगे तो ₹110 शेयर फर्स्ट कॉल पे, ₹210 शेयर फर्स्ट कॉल पे लिख देंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रुपया लिख दो, इससे आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप किसी कैलकुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको समझ में भी ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा लिखेंगे तो 150 और ₹60 जोड़ के ₹210 लिखेंगे, और शेयर सेकंड कॉल का जब पैसा लिखेंगे ₹100 और ₹40 जोड़ के टू शेयर सेकंड कॉल के नाम से ₹140 लिख देंगे। कंपनी में क्वेश्चन को यहीं तक करने के लिए कहा गया है, यानी उन्होंने कहा जर्नल लेखे कीजिए, इसके आगे कुछ नहीं कहा, ना ही बैलेंस शीट कहा, ना ही कैश बुक कहा है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं, आप कहां से बिलोंग करते हैं यह भी बताइए, हमें पता लगेगा कि आप कहां से हैं तो मुझे ये भी जानकारी मिल जाएगी कि हमारी वीडियो कहां कहां तक के बच्चे देख रहे हैं, इसका फ़ायदा कितने बच्चों को मिल रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए, यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स कंटिन्यू आपके पास आती रहेगी और आप इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, इसमें आप एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। उन बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनको आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप WhatsApp चलाते हैं, Facebook चलाते हैं, तमाम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप इस वीडियो को उनके पास तक पहुंचा सकते हैं। अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स को आप इसकी वीडियो, इस चैनल की वीडियोज को भेज सकते हैं, उनको बता सकते हैं और इस प्रकार से आप उनका भला कर सकते हैं। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो जो होगी खास आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।